जीएसटी पोर्टल पे आप जीएसटी एवं फाइल करने से पहले आपको काफ़ी कुछ चेंजिंग मिलेगी उसमें, क्योंकि उसमें आप तीन ऑप्शन दे दिए गए हैं। पहला तो ये कि आप अगर जीएसटी आर वन फाइल करते हैं रिटर्न और ऐड डिटेल करेंगे तो सक्सेसफुल हो जाएगी, तो आपका ये ग्रीन हो जाएगा। दूसरा, अगर प्रोसेस में रहेगी तो पेंडिंग होगी, जो कि इस पर्पल कलर की रहेगी, और कोई प्रॉब्लम या एरर आती है तो फिर ये रेड कलर की होगी। तो ये सब नए पोर्टल पर क्या है और किस तरह से है, आइए चलते हैं। उसके लिए हम आपको लिए चलते हैं जीएसटी के पोर्टल पर और वहाँ पर वन बाई वन करके सारी डिटेल के बारे में डिस्कशन करते हैं कि आखिर क्या ऐसा उसमें चेंजिंग हुआ है जो कि अकाउंटेंट के लिए खास करके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इससे पहले आप मेरे इस प्रोफेशनल प्राइम चैनल पर आ जाइए, यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह की जितनी भी नई डिटेल अपडेट होगी सारी की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलेगी, और यहाँ से आप जीएसटी डाटा एंड टेली और एक्सेल से रिलेटेड सारी वीडियो देख सकते हैं। अगर चैनल पर आने के बाद आपको वीडियो देखने से बाद लगे कि सही है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए चलिए आप देखते हैं जीएसटी पोर्टल पे कि क्या सब जीएसटी आर वन में बदलाव आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जीएसटी पोर्टल पे काफ़ी कुछ बदलाव आ चुकी है। जीएसटी आर वन जब आप रिटर्न फाइल कर लीजिएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ऊपर दिया हुआ है एड रिकॉर्ड का डिटेल, बी टू बी से लेकर के बी टू सी लार्ज इन्वॉइस, बी टू सी स्मॉल इन्वॉइस तक का डिटेल आपको आप बिल्कुल इस तरह से कुछ दिखाई देगी जीएसटी के पोर्टल पर। यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आ चुकी है कि ये नंबर जो है, पहले आप देखते होंगे कि यहाँ पे ऊपर में दिखती थी और यहाँ पे टोटल अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट और टैक्स दिखते थे, लेकिन अब क्या है आप देख सकते हैं ना कि टैक्सेबल अमाउंट दिखाई देते हैं ना टैक्स अमाउंट, सिर्फ आपको जितना भी आपने इन्वॉइस इसमें बी टू बी में जनरेट किया है वो शो होगी। इसी तरह से बी टू सी में अगर आपने किया है तो वो शो होगी, इस तरह से बी टू सी में। तो अब बिल्कुल इस तरह से आ गया है सब कुछ डिटेल, लेकिन पहले क्या आता था, यहाँ टोटल अमाउंट आती थी, जो कि आपको हम पुराने वाले ओल्ड पोर्टल को भी दिखाते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये पुराना वाला आपका पोर्टल है, पुराने वाले पोर्टल पे आप देख रहे हैं ऊपर में आ रही है कि आपने टोटल सिक्स इन्वॉइस इसमें बी टू सी जनरेट किया है, जिसका टोटल अमाउंट यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू ये आ रही है और टैक्स लाइबिलिटी या टैक्स ये आ रही है। बिल्कुल इसी तरह से नील रिटर्न में भी आती थी, अमेंडमेंट में भी यहाँ अमाउंट शो हो जाता था और टैक्स पे हो जाती थी और कितना अमेंडमेंट आपने किया है वो नंबर यहाँ पे जनरेट हो जाता था। लेकिन नए वाले पोर्टल में जैसे ही आप जाते हैं यहाँ पे देखिए कि क्या चेंजिंग आई गई है, ये सारा चेंजिंग इस तरह से हो चुका है। तो सबसे पहले आपको ऊपर में दे दिया गया है कि एड रिकॉर्ड का डिटेल, उसके बाद नेक्स्ट दे दिया गया है अमेंडमेंट का डिटेल कि भी आप जब एड रिकॉर्ड कर लेंगे अगर अमेंडमेंट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है किसी इनवॉइस में बी टू बी या बी टू सी में किसी में भी, उसका वन बाय एक लाइन से आपको सब कुछ दे दिया गया है, बी टू बी का, फिर बी टू सी लार्ज का, फिर एक्सपोर्ट का, फिर डेबिट क्रेडिट नोट का, रजिस्टर्ड पर्सन और अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए अलग, अमेंडमेंट बी टू सी के लिए अलग, इस तरह से आपको यहाँ पे वन बाय वन करके दे दिया गया है। और लास्ट में आपका ई इनवॉइस डाउनलोड हिस्ट्री भी यहाँ पे आप अगर फिल करते हैं तो डिटेल्स होगी, और लास्ट में जा करके आप यहाँ पे रिटर्न सबमिट करके रिटर्न फिल कर सकते हैं। तो ये तो आ गई नई वाली पोर्टल पे, लेकिन जब हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बी टू बी के डिटेल पे हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पर अमाउंट आपका डिटेल शो होता है या नहीं होता है। बी टू बी पर जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पे बी टू बी पे आ जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपका सब कुछ डिटेल तो आएगी, जी एस टी नंबर, नेम वगैरह, टैक्सेबल ए टू जेड, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि आपका जितना भी इन्वॉइस आपने जिसमें डाल रखा है वो शो होगी, लेकिन अमाउंट यहाँ पर भी शो नहीं हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ हो रहा है कि एरर है या नहीं, पेंडिंग है या नहीं, वो शो हो रही है, लेकिन आपका अमाउंट डिटेल यहाँ भी शो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक एक करके सबके डिटेल पे जाके क्लिक करके आपको देखनी पड़ेगी। लेकिन जब आप बी टू सी में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए बी टू सी में आप आते ही आपका टोटल अमाउंट भी शो होता है कि कौन से परसेंट में कितना आपने वैल्यू दे रखा है, क्या परसेंटेज है उसकी टैक्स, ओके। लेकिन बी टू सी में जैसे ही जाते हैं तो यहाँ सिर्फ हम देख सकते हैं कि आपका ये रिटर्न तो फाइल हो चुकी है और कितना इनवॉइस किस में है वो भी हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे अमाउंट शो नहीं होता। लेकिन अमाउंट अगर आपको देखना है तो फिर इस पर भी आपको क्लिक करके फिर इसके अंदर जा कर के टोटल अमाउंट आपको दिखाई देगा। तो ये एक प्रॉब्लम यहाँ पे अकाउंटेंट के लिए क्रिएट करेगा, वो अपने डिटेल को डायरेक्ट डैशबोर्ड के इस
यहाँ पे नहीं मिला सकता है अपने टैली डाटा से या जिस जो भी सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग है उस डाटा से। उसके लिए उसको इसके अंदर डिटेल में जा करके अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट और टैक्स अमाउंट को चेक करना पड़ेगा। लेकिन बी टू सी में क्या है, ये प्रॉब्लम नहीं आई है। बी टू सी में यहाँ तो आई है, टैक्स बोर्ड पे आपका शो नहीं होगा, लेकिन एक बार अगर आप क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ पर आपको बी टू सी का ये डिटेल शो हो जाएगी। तो ये काफ़ी कुछ अंतर आ गया है, जो कि थोड़ा बहुत आसान भी है, देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि डिटेल यहाँ काफ़ी अंदर आकर के चेक करना पड़ेगा हमको। उसके बाद हम देखते हैं HSN समरी का। HSN समरी पे जैसे ही आते हैं तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, ये सेम टू सेम है। सिर्फ आपको डैशबोर्ड पे तो नंबर कितने हैं वो पहले भी जनरेट होती थी, लेकिन उसमें अमाउंट भी जनरेट हो रहा था कि टोटल अमाउंट आपका HSN वाइज इतना आ रहा है। लेकिन यहाँ पर भी आपको HSN के अंदर आकर के डिटेल चेक करना पड़ेगा कि आपने टोटल इतनी इनवॉइस HSN वाइज डाला है और इसका अमाउंट टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स वैल्यू ये है और क्वान्टिटी यहाँ पर है। तो ये सब काफ़ी कुछ दिक्कत अब आ गई है नए पोर्टल पे। उसके बाद डॉक्यूमेंट समरी में आ जाते हैं। डॉक्यूमेंट समरी में आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट वाइज आपको यहाँ भी वही चीज़ आ रही है कि आप टोटल कितना इनवॉइस इसमें डाले हैं, ओके रजिस्टर्ड पर्सन के लिए और अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए, वो यहाँ पे शो हो रही है। लेकिन हर जगह सिर्फ नंबर ही शो हो रही है, कहीं पे आपका अमाउंट वैल्यू बी टू सी को छोड़ करके शो नहीं हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि पिछले जो डैशबोर्ड जो था GSTR1 का उससे ज़्यादा बेटर हम इसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पिछले वाले डैशबोर्ड में काफ़ी कुछ सुविधा थी कि आपको डायरेक्ट यहाँ से आपका शो हो जाता था कि आपने कितना इन्वाइस डाल रखा है, उसका टोटल अमाउंट क्या है, टैक्स क्या है, सब कुछ आपको यहीं पे शो हो जाती थी और फिर आप आसानी से यहाँ पर GST रिटर्न फाइल कर सकते थे। GST टैली और अकाउंटिंग से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम हैं वो प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं मेरे इस प्रोफेशनल प्राइम चैनल पे आकर के। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पे मैंने इससे रिलेटेड, GST से रिलेटेड, टैली रिलेटेड और रिलेटेड सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आपको एक एक करके सारे वीडियो को देखिए। यहाँ पे टैक्स एडजस्टमेंट एंट्री से लेकर के सेल सर्विस से लेकर सेल परचेज तक सारी डिटेल यहाँ पे मैंने अपलोड किया हुआ है। आप एक एक करके सारे वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।